सभी को नमस्ते और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के 6 बजे वाले कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए सारे सोशल मीडिया वाले जो एवेन्यूज हैं उन पर, जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कर दिया तो मैं शुरू करता हूँ, नहीं तो फिर मैं शांत होकर बैठने वाला हूँ। ओके जी, तो दैट्स गुड। अब आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है, क्योंकि इसमें जो खेल खेला गया वो इतना स्मार्टली खेला गया, जिसे मैं बार बार बोलता हूँ, हाइडिंग इन प्लेन साइट, कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपके सामने क्राइम हो जाता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब मैं आपकी कह रहा हूँ उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, कि हमारे देश में एक ऐसा ऐसी विचारधारा है जो पनप रही है, फल फूल रही है, और वो विचारधारा इतनी हत्याएं कर चुकी है, इतने बलात्कार कर चुकी है, हमारे देश पर इतना आर्थिक बोझ उसने डाला है, लेकिन वो हमारे सामने होते हुए भी हम उस पर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे हमें मानसिक रूप से इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर लिया गया। तो माइंड मैनिपुलेशन की जो बहुत अच्छी मूवीज बनी उनमें से एक है नसीरुद्दीन शाह वाली मूवी अ वेडनेसडे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखी है ये, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़ेंगे जिन्होंने ये मूवी ये फिल्म नहीं देखी। तो मूवी कुछ इस प्रकार से है कि एक पुलिस कमिश्नर को फोन आता है कि तुझे ये चार ड्रेडेड टेररिस्ट, खूंखार आतंकवादी हैं, उन्हें छोड़ना है, और अगर नहीं छोड़ोगे तो मैंने शहर में कई जगह पर बॉम्ब प्लांट कर रखे हैं, वो सब फूट जाएंगे और तेरे लोग बहुत सारे मारे जाएंगे। तो अब जो कमिश्नर है वो गुड गाय है, हीरो है, और जिसने बॉम्ब प्लांट किया है वो विलेन है, क्योंकि वो टेररिस्ट को छुड़ाने वाला है। ये मोटा मोटा इस फिल्म का प्लॉट है, जिसके इर्द गिर्द पूरे का पूरा जो नैरेटिव है वो बुना गया है। अनुपम खेर ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया है, और जो ये फोन करता है कि टेररिस्ट को निकाल के लाया जाए वो है नसीरुद्दीन शाह। और इन दोनों के अतिरिक्त एक और जो मुख्य कलाकार है वो है जिमी शेरगिल। जिमी शेरगिल एक बहादुर जांबाज पुलिस ऑफिसर है, उसका नाम है आरिफ। तो जैसा मैं पिछले सारे केसेस में बता चुका हूं कि हमेशा एक डैशिंग, डायनामिक, ऑनेस्ट, अपराइट ऑफिसर चुनना होता है या कैरेक्टर चुनना होता है, ताकि ये क्रेडेंशियल्स स्थापित हो सकें कि इस देश में ऐसे भरमार है ऐसे लोगों की जो मुसलमान तो हैं लेकिन बिल्कुल ही सेक्युलर टाइप के हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट है, अपना काम पूरे समर्पण से करते हैं, कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है। कमी उन घटिया लोगों के अंदर है जो मुसलमान होने के कारण उनको उनके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव करते हैं। तो अब ये जो आरिफ है, इसे अभी मेन प्रोटेगोनिस्ट या हीरो मान के चलते हैं, इसको किस तरह से इसके क्रेडेंशियल्स स्थापित किए जाते हैं पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। शुरू में जब स्टारिंग चल रही है थोड़ा बहुत सीन आता है कि जो नसीरुद्दीन शाह है वो एक पुलिस स्टेशन में जाके एक बॉम्ब या एक बैग रख के आता है, और उसके बाद कमिश्नर के जीवन में कुछ हल्की फुल्की चीजें चल रही हैं, लेकिन मेन जो नैरेटिव शुरू होता है वो मूवी शुरू होने के लगभग 15 मिनट के बाद आता है, जहां पर इस डैशिंग हीरो आरिफ की एंट्री होती है। एक बहुत बड़ा सा कमरा है जहां पर ये जाके बैठता है, और फिर एक कैदी को इसके सामने पेश किया जाता है। वो कैदी आता है तो देखिए जरा, ये कैदी इसके सामने पेश होता है और फिर ये उसे बताना शुरू करता है कि आरिफ साहब, आपने तो कहा था कि मैं अगर इन्फॉर्मर बन जाऊंगा तो आप मुझे यहां से निकलवा लेंगे, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूं, और जो प्रोटेक्शन के लिए वहां पर जो कॉन्स्टेबल छोड़ा गया वो मेरी बहन को छेड़ता है। और इस सारे टाइम पे जो टफ गाय है, ऑनेस्ट अपराइट है, वो च्युइंगम चबा रहा है, डैशिंग, हैंडसम, गुड लुकिंग,
ये है। अब ऐसे डैशिंग, हैंडसम, गुड लुकिंग, ऑनेस्ट, अपराइट ऑफिसर से जाहिर सी बात है, जब दर्शक देखेंगे तो उसके साथ एफिनिटी बनेगी, उसके साथ एक आत्मीयता का भाव बनेगा, और यही साइकोलॉजी की, अप्लाइड साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल होता है कि ऑडियंस उसके साथ एक आत्मीयता का भाव रखे, उसके साथ कनेक्ट करें। तो अब डैशिंग तो दिखा दिया, लेकिन उसकी ऑनेस्टी को, उसके अच्छे कैरेक्टर को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये निकलता है यहां से। देखिए एकदम हैंडसम हंक, ये मुंबई की गलियों में से चलता हुआ जा रहा है और उस कैदी के घर पहुंचता है जिसे इसी ने यहाँ पर सेट किया था, और बीच में ये भी बता दिया कि ETS में जुड़ा है, यानी एंटी टेरर स्क्वाड का मेंबर है ये, जो RF है। अब ये उसके घर पहुंचता है, बाहर पुलिस वाला बैठा है वर्दी में। तो हमारे ये हैंडसम ऑनेस्ट ऑफिसर RF साहब उसकी जाके पिटाई करना शुरू कर देते हैं, और क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा प्राणी तो किसी की बहन को छेड़ा जाए, किसी लड़की को छेड़ा जाए, ये सहन नहीं कर सकता। तो ये देखिए सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उसे पीटता है, ये टॉप व्यू है, वो नीचे गिरा पुलिस वाला और RF साहब उसे पीट रहे हैं। तो आपको तो पता है कि जो एक पर्टिकुलर विचारधारा, उसमें महिलाओं का कितना सम्मान किया जाता है, तो RF को दिखा रहे हैं कि वो बहन को छेड़ता है तो जाके उसकी पिटाई करता। अब हम चलते हैं मेन प्लॉट की तरफ। यहां पर हमने RF के क्रेडेंशियल्स काफी हद तक एस्टैब्लिश कर दिए हैं। अब जो नसीरुद्दीन शाह है वो एक बिल्डिंग की छत पे जाके बैठता है, और उसके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, कई मोबाइल फोन हैं, सिम कार्ड निकालता है, पुलिस कमिश्नर को बड़े कूल कैलकुलेटेड माइंड से सैंडविच खाते हुए फोन करता है। वो फोन ये करता है कि मैंने शहर में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कई जगह पे बॉम्ब्स लगा रखे हैं, तो मुझे तुमसे क्या करवाना है वो मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद बताऊंगा। तो अब वहां पर खेल शुरू हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं उसी से बात करूंगा जिसके पास अथॉरिटी होगी। तो अब ये जब सारा कुछ चलने लगता है, तो नसीरुद्दीन शाह कहता है कि आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं क्रैंक कॉल कर रहा हूँ, सॉरी, पहली कॉल के बाद वो फिर ट्रेस करने भेजते हैं कि देखो भी कहाँ से नंबर आया। तो इनिशियली उन्हें पता नहीं लगता, फिर चेक करवाते हैं कि सिम कार्ड किसी व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड था, तो उसके वहां पुलिस वाले को भेजा जाता है, तो पता लगता है कि वो व्यक्ति तो मर चुका है। तो दोबारा फोन आता है, फिर ये बताता है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कोई क्रैंक कॉल है। कमिश्नर जो अनुपम खेर होता है, हो भी सकता है, और फिर ये कहता है कि अगर क्रैंक कॉल होती तो आपके सामने जो पुलिस स्टेशन है वहां पर बॉम्ब नहीं प्लांट किया होता, आप चेक कर सकते हैं। तो भगदड़ मचती है, पुलिस वाले जाते हैं, जांबाज पुलिस वाले हैं, वो वहां से 10 मिनट के अंदर अंदर बॉम्ब को ढूंढ लेते हैं। गुड, तो अब ये पक्का हो जाता है कि क्रैंक कॉल नहीं है, वास्तव में ऐसा कुछ कांड हो रहा है। फिर नसीरुद्दीन शाह फोन करता है और कहता है कि मुझे ये चार लोग जो हैं अलग अलग जेलों में बंद हैं वो चाहिए, उनको आप एक जगह पे इकट्ठा कीजिए, और उनके नाम बताता है, इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला, चारों आतंकवादी हैं, ये सब मुझे चाहिए। तो उनके लिए व्यवस्था की जाती है। अब आपको ऑडियंस का माइंडसेट समझना है कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, डैशिंग हीरो कौन है, RF, और ये जो आतंकवादियों को छुड़ाने वाला है उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन आतंकवादियों का नाम पता है, वो सारे के सारे उस कौम के हैं, विशेष जो समुदाय विशेष होता है उसमें से आते हैं। तो ऑडियंस अभी तक RF को हीरो और इसे विलेन मान के चल रही है। तो अब कमिश्नर बोलता है कि पता लगाओ कि RDX का मूवमेंट कहाँ हुआ है, टेरर ग्रुप्स जो हैं कैसे कैसे चल रहे हैं। तो फिर इन्हें पता लगता है कि एक आदमी है जिसने 6 किलो RDX सप्लाई किया है कुछ कुछ दिन पहले, उसे पकड़ लिया जाता है। ये है वो गुंडा जिसे पकड़ लिया गया।
तो कमिश्नर साहब अपने हाथ से इसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। हमने पता है मुंबई का कमिश्नर परमवीर सिंह जो था वो साध्वी प्रज्ञा को पीटा करता था, मेजर उपाध्याय को पीटा करता था, तो हमारे ये कमिश्नर साहब भी इसको पीटना शुरू कर देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन निकलवानी है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो अब एक बड़ा मजेदार सीन है, कुछ पुलिस वाले बाहर खड़े हैं और वो क्या बोलते हैं, एक पुलिस वाला दूसरे इंस्पेक्टर को बोलता है, जय साहब पगला आ गया, आज फिर कोई मरेगा। और अब ये डायलॉग बोल दिया तो पगला कौन आ रहा है, अपना डैशिंग हीरो आरिफ, ये आ रहा है वो बुलेट पे दर 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 करते हुए कि डैशिंग हीरो आ गया तो अब कोई मरेगा। दैट मीन्स इसकी रेपुटेशन क्या है, ट्रिगर हैप्पी कॉप, सचिन वाझे, ध्यान है आपको, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, प्रदीप शर्मा जो आजकल जेल में है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए कि जब मैं कॉलेज टाइम में हुआ करता था तो हमें बताते थे कि दया नायक जैसे लोग हैं जो एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते, अपराधियों को गोली मार देते हैं, जिसके ऊपर वो अब तक 56 जो मूवी है वो बनी है। तो दया नायक, प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, सचिन वाझे, इन्हें ग्लोरीफाई करके हीरो बनाया गया था जबकि काम भी क्रिमिनल्स वाले करते थे। तो ठीक उसी पैटर्न पे, क्योंकि हमारे लोगों की सोच ऐसी बनाई गई है कि देखो जी वो जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर ऑल इन वन है, तो ये आया है आज जरूर कोई मारा जाएगा। और फिर वो जो अंदर इसको इंटेरोगेट किया जा रहा है वो एक खिड़की में से देखता है, उसे क्या सीन दिखाई देता है, ये अपनी बाजुएं ऊपर चढ़ाते हुए इंस्पेक्टर आरएफ वहां पहुंच रहे हैं। तो उसकी जो भाव भंगिमा है, हालत पतली हो जाती है, और सिर्फ इतना नहीं होता, जूम करके यहां ले जाते हैं कि उसका बेचारे का पेशाब निकल जाता है इसे देखते ही। और फिर वो लगातार तोते की तरह पटर पटर करते बता देता है कि भाई साहब मुझे जो आरडीएक्स मुझसे लिया गया था वो किसने लिया था, वो बता देता है। ओके, अब बता दिया। तो ये जो प्रोपेगेंडा मूवीज होती हैं इनके अकॉर्डिंग मुंबई जैसे बड़े शहर में बस एक ही इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होता है जिसे सारे काम करने होते हैं। तो जब पकड़ना था तो भी ये इसे ढूंढा जाएगा, जब टॉर्चर करना है तो भी इसे ढूंढा जाएगा, और फिर जब किसी को ढूंढना है तो बाकी शहर की पुलिस तो सिर्फ करप्ट होती है, ये फिर उसे ढूंढने जाएगा। फिर ढूंढने चला गया जी, और उसने भी जब इसे देखा तो लो जी भाग लिया वो, और उसके पीछे पीछे अपना चिकना इंस्पेक्टर दे दनादन भागता है। और इतना नहीं है, वो क्योंकि मजा हुआ जो गुंडा है वो भागता है, तो फिर इनकी जीप घुमाई जाती है और हमारे साहब जीप के ऊपर चढ़ के उसको चेज करते हैं क्योंकि एड्रेनलिन भी तो पंप होना चाहिए। तो ये देखिए मुंबई की सड़क पे भाग रहा, पीछे पीछे जीप में आधा लटका हुआ हमारा डैशिंग हीरो उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, और अल्टीमेटली चलती गाड़ी में से ये पटाखा मारकर उसे गिरा देता है। अब गिरने के बाद तो गिर गया, तो फिर ये उतरता है, डैशिंग हीरो गॉगल्स लगा रखी हैं, और उसे मुंबई की सड़कों पे घसीटता है। और अल्टीमेटली क्या होगा साहब, मैं बताता हूँ साहब, और मत मारो साहब। तो बता देता है कि मैंने जो आरडीएक्स की डिलीवरी की थी वो कहाँ पर की थी। तो अब क्या होगा, अब अगर तो वास्तविक पुलिस होगी तो वॉकी टॉकी वायरलेस यूज करके सारी जगह पे अलर्ट किया जाएगा कि कहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ क्योंकि एक ही हीरो होता है, एक ही इंस्पेक्टर होता पूरे शहर के लिए, तो फिर वो गली गली कूचे कूचे ढूंढने निकल रहा है गाड़ी में से, उसे बिल्डिंग पता लग गया, वो ढूंढने जाता है। अब तक हीरो पूरी तरह से हमने स्थापित कर दिया, और आपको इसमें ये समझ में आ गया कि हीरो कौन है, उसका नाम क्या है, और उसे किस लिए यहाँ पे पेश किया जा रहा है। अनिल प्रतिहारी जी, आपका आभार सदस्यता के लिए। ओके, तो अब जरा आगे चलते हैं, स्टोरी को भी तो आगे बढ़ाना है, हीरो तो बन गया। अब स्टोरी में वो जो चारों आतंकवादी हैं उन्हें एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है,
तो फिर नसीरुद्दीन शाह फोन करता है। इन द मीन टाइम वो ट्रेस करने वाली नौटंकी वो सब चल रही है, वो चलेंगी ना क्योंकि फिल्म है। तो चारों को पकड़ लिया। अब नसीरुद्दीन शाह फोन करता है कि इन चारों को एक एयरबेस है जहां से एरोप्लेन चलेगा, वहां पर इनको छोड़ दिया जाए। तो अब ये काम भी कौन करेगा? हमारा डैशिंग हीरो और उसके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है, वो दोनों जाएंगे। तो चार ये टेररिस्ट और दो ये हीरो, जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो भी हैं, वो उनके साथ जा रहे हैं। ये देखिए आपको, तो विजुअल इफेक्ट भी चाहिए होगा ना। तो ये चारों आतंकवादी हैं जो मस्त हैं, एकदम खुश हो रहे हैं। और ये दोनों जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी हैं, कानों पे सेट लगा रखे हैं, हाथों में पिस्तौल है। तो ये चलते हैं। अब देखिए, हमारे देश की जनता मूर्ख है, आरएफ नाम से पूरी तरह मैसेज नहीं गया होगा, तो उसको और ज्यादा ठोक के दिमाग में बिठाना है। तो इनमें से एक जो आतंकवादी है वो है इब्राहिम खान। इब्राहिम खान की नजर बड़ी पैनी है, तो आपको इसके गले में तावीज दिखाई दे रहा होगा। अपने आरिफ साहब के गले में भी वैसा ही तावीज है। तो जब वो इसे देख रहा है तो ये छिपाते हैं ताकि ऑडियंस को पूरा पता लग जाए कि भैया तावीज वाला है ये आरिफ, कोई ऐसे ही नहीं, सेक्युलर टाइप का। और छुपाने के बाद फिर वो टफ गाय फिर से बन जाता है। लेकिन इसकी नजर तो पड़ चुकी है इस पे, तो अब ये अपना जो जिहादियों वाला एजेंडा है वो चलाएगा, क्योंकि ऑडियंस भी एक्सपेक्ट कर रही है ना। तो थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी भी आते हैं। तो इब्राहिम खान पूछता है, अरे एक मिनट रुकिए, जरा विजुअल इफेक्ट्स भी तो चाहिए होंगे। तो वो पूछता है, इब्राहिम खान क्या नाम है आपका? तो आरिफ बोलता है, जरूरी नहीं है। फिर इब्राहिम बोलता है, वाकई मियाँ आपको क्या लग रहा है? अपने साथियों को बोलता है, हमारे साथ क्या हो रहा है? तो बीच में जो एक है वो अहमद नाम वाला, वो बोलता है कि इब्राहिम भाई, इन लोगों के सहमे हुए चेहरे देखकर लग रहा है कि हम रिहा होने वाले हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद हम लोग, वो इतना ही बोल पाता है, तो फिर अपना टफ गाय उसके पास जो पिस्टल है उसका रैक क्लिक करता है, वो चुप हो जाता है। तो फिर इब्राहिम से बोलता है, आग है, हमको हमारी जवानी याद आ गई, हम बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, मौत की गोद में बैठते थे तो भी अकड़ के। 6 साल का था, मेरे अब्बा जान की किसी से जाति दुश्मनी थी, तीन लोग आए मेरे घर और मुझे अगवा करके ले गए। उन लोगों ने मेरे बदले पैसे मांगे, अब्बा जान ने दे दिए, लेकिन उन लोगों की भूख नहीं मिटी, मुझे बेहिसाब मारा, जान गले तक आ गई, इतना मारा। जब थक गए तो मेरे एक पैर में रस्सी डाली और एक पेड़ पर लटका कर जाने लगे। मैंने आवाज लगाई, उनमें से एक मुड़ा। मैंने कहा कि चचा, अगर लटकाना ही है तो आम के पेड़ से लटका दो। वो आदमी हंस पड़ा, मुझे उतारने को बोला। उतरा तो मेरे सर पे एक टप्पी मारी और मुझे घर भेज दिया, मैं बच गया। 4 साल बाद मैंने उन तीनों को उसी पेड़ से लटका कर मारा। ये कहानी सुनाने के बाद वो दूसरे पुलिस वाले की ओर इशारा करता है, ये बैठा है सामने, उसे कहता है, आरिफ को, इसको भी यहां मार दो ना मियाँ। तो यानी एजेंडा एस्टेब्लिश हो रहा है कि ये जिहादी है, लेकिन सामने वाला एक सेक्युलर जांबाज पुलिस ऑफिसर है। तो अब यहां से हम कहानी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब नसीरुद्दीन शाह का फोन फिर से आता है। तो अब ये जो स्माइल है, इसके पीछे भी कारण है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब इतने में होता क्या है कि इनकी जो बस है, वहां एयरफोर्स जो एयरबेस है वहां तक पहुंच जाती है। तो अब नसीरुद्दीन शाह कहता कि आप अपने ऑफिसर से मेरी बात करवाइए, वो बोलता है कमिश्नर को। तो वो कहता है ठीक है, करवाता हूं। तो फिर नसीरुद्दीन शाह उससे बोलता है, आपके ऑफिसर का नाम क्या है?
तो खेर बोलता है आरिफ खान। अब जो आपको सामने इस विजुअल दिखाई दे रहा है कि जो नसीरुद्दीन शाह है वो बड़े स्टाइल से हंस रहा है, क्योंकि अभी भी ऑडियंस डंब है ना, वो आरिफ नाम से भी नहीं पहचान पाई और गले में ताबीज है उससे भी शायद वो चूक गए हो, क्योंकि कुछ भोले लोग हो सकते हैं। तो ये हंसना जरूरी है ताकि ऑडियंस को बड़ा स्पष्ट मैसेज आ जाए कि आरिफ खान का नाम सुनते ही ये जो टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट सिंपथाइजर है वो हंस रहा है। तो अनुपम खेर पूछता है क्या हुआ जब वो हंसता है, तो शाह बोलता है नहीं कुछ नहीं, और फिर उसे कहता है आरिफ को कि जरा मेरी खान साहब से बात कराओ। तो जब खान साहब से बात होने लगते हैं तो नसीरुद्दीन शाह बोलता है खान साहब अस्सलाम वालेकुम। तो वो आगे से वालेकुम अस्सलाम। तो शाह बोलता है खैरियत, खान बोलता है खैरियत। अब नसीरुद्दीन शाह कहता है खान साहब हमें ये हिदायत दी गई है कि हम अच्छी तरह से तहकीकात कर लें कि आप ही हैं, कोई बहरूपिया नहीं, या इस मुल्क की पुलिस ने कोई तरकीब या साजिश तो नहीं की है, इसलिए आप एक-एक करके अपने नाम और दस्तखत बताएंगे। तफसील की जरूरत नहीं है, सिर्फ इशारा काफी होगा। तो फिर वो चारों एक-एक करके बताना शुरू करते हैं। वो क्या बताएंगे? तो उनका एक-एक करके उनको फोन पकड़ाया जाता है, तो बताते हैं। पहले वाला बोलता है कि इब्राहिम खान बंबई 93 फख्र है, दूसरा इखलाक अहमद गुजरात 2002 फख्र है, मोहम्मद जहीर मुंबई 2006 फख्र है, खुर्शीद लाला 92 से 6 तक फख्र है। नसीरुद्दीन शाह बोलता है बहुत ही उम्दा दस्तखत हैं आप लोगों के। खान साहब आपको कोई इंजेक्शन या कोई चीज तो नहीं खिलाई गई? नहीं कुछ नहीं, बस हमारे हाथ बंधे हैं। तो शाह बोलता है खुल जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। अब यहाँ इसके बाद सस्पेंस खोला जाता है, जो मास्टर कार्ड है अब यहाँ आने वाला है, मास्टर स्ट्रोक है जो वो अब यहाँ आने वाला है। तो उन्हें कहा जाता है कि इन लोगों को सामने दो बेंच दिखाई दे रहे हैं, वहां पे जाके बैठा दो और तुम यहां से दूर चले जाओ। तो अब ये जो डैशिंग वाला इंस्पेक्टर है वो क्या करता है, वो उनमें से एक को पकड़ लेता है, इब्राहिम खान को पकड़ लेता है, बाकी तीन को छोड़ देता है, लेकिन इसे अपने साथ ले जाता है। और जब ले जा रहे हैं तब भी देखिए जरा, आप विजुअल्स पे ध्यान दे जरा, एक पुलिस ऑफिसर ने आगे रहना है, एक ने पीछे रहना है, क्योंकि जिसे डैशिंग दिखाना है, जिसे हाईलाइट करना है वो आगे रहेगा। तो आरिफ भाई आगे हैं, ये उन्हें लेके जाते हैं चारों को, लेकिन चारों में से इस एक को अपने लिए निकाल के अलग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि कहीं कुछ फ्रॉड हो रहा तो हमारे पास एक तो रहना चाहिए कब्जे में। तो इसके बाद वो तीनों वहां बेंच पे बैठे हैं, बॉम्ब फूटता और वो तीनों मारे जाते हैं। तो अब ऑडियंस को शॉक लगता है, ये शॉक वैल्यू है बॉलीवुड स्टाइल की, कि अभी तक तो ये लग रहा था सबको कि टेररिस्ट छुड़वाए जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें मार दिया गया। तो वो जो कमिश्नर है वो पूछता है कि क्या हुआ आरिफ? बोलता सर कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और ये लोग मर गए हैं। तो बोलता है चारों मर गए, कहता नहीं एक को मैंने बचा लिया। और नसीरुद्दीन शाह ये बात सुन रहा होता है। तो अब जो मास्टर स्ट्रोक आएगा वो यहां पे आएगा, जो डायलॉग्स हैं यहां पर उन पे ध्यान देते हैं तनिक। तो अनुपम खेर पूछता है कि क्या हो रहा है? तो अब नसीरुद्दीन शाह बताता है मैं इब्राहिम खां, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं मारना चाहता था। तो अनुपम खेर बोलता है सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। अब मास्टर स्ट्रोक डायलॉग आएगा शाह नसीरुद्दीन शाह का, आपके घर में जब कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? उसे पालते नहीं मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। कमिश्नर तुम हो कौन?
मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। अब ये इस मूवी का सबसे क्रूशियल डायलॉग है, काफी लंबा है, मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, उसे सुनिए ध्यान से। मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है कि जंग पर जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं, हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी कि नहीं, खाना खाया या नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। अब यहां आपको याद ये रखना है कि यूपीए के रूल में आई थी ये मूवी, उन दिनों हर 4th दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हर रोज हमारे देश के लोग जिहाद की बलि चढ़ रहे थे, मंदिर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ट्रेन में हो रहे हैं, बसों में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे थे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, जो कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में, हाँ अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्वीर देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है कि दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देखकर मेरी दुकान ना जला दे। झगड़ा किसी का भी हो बेवजह, मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक भी शक्ल चुन लीजिए, मैं वो। आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। तो ये मास्टर स्ट्रोक डायलॉग है। देखिए इसमें ट्विस्ट कैसे है कि पहले ट्रेन में चढ़ने से डरता है, पूरे नेशन को साफ लेके चल रहे हैं, बीवी डरती है कि जंग पे जा रहा है, कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में, और तस्बीह देखकर, तस्बीह जिन लोगों को नहीं पता, वो जो मुसलमान माला सी लेके घूमते हैं अपने हाथ में, जो मुल्ला मौलवी लेके घूमते हैं, उसे तस्बीह कहा जाता है। हाथ में तस्बीह देखकर शक करता है, और मैं वो हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। डरावा मुसलमान याद आया आपको? तो ये वो नैरेटिव है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देखकर मेरी दुकान न जला दे। टेररिज्म को दंगों से इक्वेट किया जा रहा है, और दंगे कौन शुरू करता है और जुम्मे के दिन क्यों होते हैं वो आज हम बात नहीं करेंगे उस पर। और झगड़ा किसी का भी हो, झगड़ा यानी आतंकवाद को झगड़े में कन्वर्ट किया जा रहा है। बेवजह मरता मैं ही, ठीक है दोनों मरते हैं इसमें तो कोई शक नहीं, और आई एम अ स्टूपिड कॉमन मैन। तो अब अनुपम खेर बोलता है, ये स्टूपिड कॉमन मैन आज कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो आरडीएक्स के साथ। अब आप इमेजिन करिए कि जो ऑडियंस है वो सीधी सीधी अब इसके साथ आइडेंटिफाई कर रही है, नसीरुद्दीन शाह के साथ। तो वो बिल्कुल वही डेमागॉगरी बोलते हैं इसे, वही काम करने वाला। क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है, जिंदगी भर घुट घुट कर मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब, यूं समझिए टाइम नहीं मिला, रोजी रोटी के चक्कर में काम जरा निग्लेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो बाकी का एक कॉकरोच भी आज ही मरेगा। तब खेर पूछता है, ये चारी क्यों, और भी तो है। तो नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं, मैंने लॉटरी निकाली थी, इन चारों का नाम निकल आया। तो कमिश्नर पूछता है, तुम ये कह रहे हो कि हमने इस इब्राहिम को नहीं मारा तो ना जाने कितने बेगुनाहों को तुम मार दोगे? तो नसीरुद्दीन शाह बोलता है, वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौर साहब, आज नहीं तो कल, और इब्राहिम खान जैसे लोग ही मारेंगे उन्हें, पिछली बार ट्रेन में मारा था, इस बार कहीं और मारेंगे, और ये तब तक मारते रहेंगे जब तक हम इनको जवाब नहीं, जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो कौन, मतलब तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? मेरा मजहब से, मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अनुपम खेर, कमिश्नर, लेना देना है, मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन, राइट। तो ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके बेसिस पे स्टूपिड कॉमन मैन बना दिया और टेररिज्म को सॉल्व करने का एक तरीका बता दिया। अब इस तरीके को कितनी सफाई से पेश किया गया कि स्टूपिड कॉमन मैन है, हिंदू मुस्लिम का तो कोई झगड़ा है ही नहीं, ना इसमें कहीं इस्लाम आता है,
ये है इनकी इनका जो खेल है, राइट। अब आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए कि किसी को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो 6 किलो आरडीएक्स भी इकट्ठा कर लेता है, पुलिस स्टेशन में जाके बॉम्ब भी प्लॉट करता है, और इतना टेक सेवी है कि पुलिस को छकाता रहा वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, राइट। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो टेररिज्म फैल रहा है उसकी जड़ क्या है। उसने ये नहीं देखा कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं वो गौमूत्र पीने वाले काफिरों को मारना है, वो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, अपने जो लश्करे तैयबा बनाते हैं, जैशे मोहम्मद बनाते हैं, तो इतना इतना स्मार्ट तो है कि पुलिस को छका सकता है, आरडीएक्स लेके जा सकता है, और वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके अच्छे से पूरे पुलिस कंट्रोल रूम को बिल्कुल धत्ता बता सकता है। लेकिन वो असली जो जड़ है उस तक नहीं पहुंच सकता, उस पे नहीं जाएगा वो राहत वही अलापेगा कि मरता मैं ही हूं, झगड़ा किसी का भी हो तो टेररिज्म को झगड़े में ले आओ, मरता मैं ही हूं, द स्टूपिड कॉमन मैन, और हम उससे आइडेंटिफाई कर जाते हैं। ये है किस तरह से। और सहानुभूति सारी किधर लेके जानी है कि तस्बीह देख के शक करता है, दाढ़ी बढ़ाने से घबराता है और टोपी पहनने से घबराता है, बेचारा डरा हुआ मुसलमान। ये खेल है इनका। और यहां पर हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ये जो दाढ़ी बढ़ाना है इसमें क्या कोई अध्यात्म विद्या आती है, या वो जालीदार टोपी पहननी है उसमें क्या कोई खास चीज होती है, क्या कहीं इनका कोई कनेक्शन जुड़ जाता है। तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ कि क्या क्या रीजन है इनका ये दाढ़ी बढ़ाने का। बहुत साइंटिफिक, बहुत आध्यात्मिक कारण शायद हो, चेक करके देखते हैं जरा। हदीस में मिलता है ये, तो बड़ी रेयर हदीस है जो इन्होंने देवनागरी भाषा में छापी है, मुझे मिल गई थी तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। ये है आपके सामने, पेज नंबर है 445, हदीस नंबर है 1651। हजरत इब्ने उमर रजियाल्लाह ने कहते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकों की मुखालफत के लिए दाढ़ियां बढ़ाओ और मूछें कतरवाओ। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उन्होंने ये जो आइडेंटिटी दी है, जिसे ये जब इनको आवश्यकता होती है तो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए यूज करते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं, उसका मूल क्या, उसकी जड़ क्या है कि जो मुशरिक हैं, यानी मैं हूं, आप हैं, जितने हिंदू हैं, जितने बौद्ध हैं, जितने जैन हैं, जितने सिख हैं, जितने क्रिश्चियन हैं, वो सब मुशरिक हैं, क्रिश्चियंस को छोड़ देते हैं इसमें से, तो उनकी मुखालफत करो, उनके खिलाफ हो जाओ, और क्योंकि वो मूछ रखते हैं दाढ़ी नहीं रखते तो तुम दाढ़ी रखो और मूछे कतरवा दो। देखिए कितना कितना बड़ा रीजन दिया जाता है, और इसे इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि मानो कोई खास चीज हो और एक बड़ा खास तरह का प्रिविलेज रिक्वायर्ड हो इसके लिए। अगली हदीस भी देखिए जरा, हदीस नंबर 1652 है। इसमें हजरत अबू हुरैरा रजी कहते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिक तो खिजाब करते नहीं इसलिए तुम उनके खिलाफ करो। तो जो दाढ़ियों में वो मेहंदी लगाते हैं ना, खिजाब करो, वो भी इसलिए कि मुशरिक तो लगाते नहीं तो तुम लगाओ। ये सच्चाई है, ये असलियत है इनकी, जिसके आधार पे इस तरह के काम किए जाते हैं। और उसको मार्केटिंग कैसे करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, कि दाढ़ी बढ़ाने से डरता है। अबे दाढ़ी बढ़ा के करना क्या है, हमें ये बताना है कि तुम हमारे खिलाफ हो क्योंकि हम मुशरिक हैं। और किसी ने लिखा मोस्ट इडियोटिक कॉम, नहीं जी, मोस्ट इडियोटिक कॉम वो नहीं है, मोस्ट इडियोटिक कॉम वो है जो इसको देखते हैं और इस पे कुछ करते नहीं है। हाँ जी, ये है गूढ़ रहस्य, गूढ़ विज्ञान, गूढ़ अध्यात्म, जो मर्जी कह सकते हैं आप इसे। योगेश भाई ध्यान रखिए, मोस्ट इडियोटिक कॉम कौन है, वो इन चीजों को भी अनकैश करते हैं, और हम क्या करते हैं, पंडित जी नमस्ते।
गुरुदेव नसीर झूठ है इस मूवी में। सालों पहले एक चुस्लिम क्लासमेट यूं ही बग गया मुंबई 93 लास्ट के दिन, वो जमात मस्जिदों घरों में सेफ थी। हाँ ठीक बात है, वो तो है ही। मैं यही तो बात मैं बता रहा हूँ कि देखिए ना किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाते हैं, पूरा बॉलीवुड उनके कब्जे में है और ना तो हम सीखते हैं ना अपने लोगों अपने बच्चों को सिखाते हैं। और वो इस तरह की चीजें देखिए क्या है इसके अंदर, मुखालफत करो मुशरिकों की मुखालफत करो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह से कर करके कहते हैं। तो क्योंकि उनको लगता है कि उनका ये सारा कुछ चल जाएगा तो चलाते हैं, हम गधे हैं जो इन चीजों को झेलते भी हैं और सुनते भी हैं और देखते भी हैं और फिर सहानुभूति भी करते हैं। आज अभी नसीरुद्दीन शाह का हैशटैग ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, देखिए आप उसे, ज्योतिर्मय जी, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी नेटफ्लिक्स की मूवी लैला में तो इतना कुछ है कि मूवी कह नाम डर का माहौल है होना सही। अच्छा हाँ होगा जी, तो देख वहां देखिए ना, अब मैं कितने लोगों को जानता हूँ वो वेडनेसडे तो बड़ी सही फिल्म बनाई है जी, क्या बात है, इन्होंने बिल्कुल ये बता दिया कि इस्लामिक टेररिस्ट होते हैं वो। गधे ये नहीं समझ रहे कि सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया क्या जा रहा है, प्रिविलेजेस क्या है, हम दाढ़ी बढ़ा के रखना चाहते हैं क्यों भाई, क्योंकि वो हमने काफिरों की मुखालफत कर ली है और डर का माहौल फैलाओ। ये चीजें सबको पता नहीं चाहिए, क्यों करते हैं भैया ये। वो एक वो जो एक्ट्रेस थी वसीम जायरा, जो आमिर खान ने जिसको लॉन्च किया था, उसने कहा मैं छोड़ रही हूं क्योंकि मुझे इस्लाम पे ध्यान देना। तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा प्रेस्टिट्यूट था कौन सा, ये हमारे यहाँ जो अखबार ये सो कॉल्ड रिपोर्टर्स हैं वो भी तो इनके तलवे चाटते हैं। वो कह रहा था अच्छा, ये तो अध्यात्म में जाना चाहती है, स्पिरिचुअलिटी में जा रही है, ये स्पिरिचुअलिटी है इनकी कि दाढ़ी इसलिए बढ़ रही है कि काफिर काफिरों की मुखालफत करनी है, रंग किस लिए लगा रहे हैं क्योंकि काफिरों की मुखालफत करनी है, टोपी किस लिए पहनी है काफिरों की मुखालफत करनी है। आप सोच के देखें जरा क्या क्या भाव आएगा आपको जी। इसका मैंने इतना शेयर करना था आपके साथ, जो प्रश्न हम ले सकते हैं, और तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अभी तक मैं देख रहा हूं कि जो लाइक्स हैं अभी भी कम हैं जी। मेरे सारे भाई बहन पागल हो गए हैं यहाँ, ये क्या हो गया। चैतन्य वाई एस के सर, शियाज आर प्रोसिक्यूटेड नहीं परसिक्यूटेड कहना चाहते हैं आप, एवरीवेयर एक्सेप्ट इन ईरान एंड इंडिया, बट वाई डू दे गो अगेंस्ट इंडिया, गो अगेंस्ट इंडिया। अब देखिए आपको एक प्रश्न पूछना पड़ रहा है, वही बताता है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं और हम कितने नालायक हैं। जब यहाँ बंटवारा हो रहा था तो जो जिन्ना साहब हैं वो क्या थे, शिया थे, वो शिया और अहमदी लीड कर रहे थे पार्टीशन वाली जो मूवमेंट थी उसे। तो आपको इसमें हैरानी क्यों हो रही है, शिया अलग हो सकते हैं लेकिन वो किताब कौन सी पढ़ते हैं, कॉमनैलिटी देख के देखिए जरा क्या है, वो किताब उन्हें क्या सिखाती है, वो आपको क्या कहते हैं, उतने में से समझ आ जाना चाहिए आपको। जब तक न्यूज टीवी चैनलों पर इस्लाम को खुलकर एक्सपोज नहीं किया जाएगा, उनकी सेकुलर एंकरों के हर तर्क का जवाब नहीं आ जाएगा, इस्लाम के बारे में जागृति अच्छे से नहीं फैलेगी। शायद आपकी बात ठीक है व्लादिमीर जी, आज 8 बजे मुझे जाना है सुदर्शन न्यूज पे भी, तो लेकिन सुदर्शन जैसे कितने चैनल्स हैं, बाकी तो वही उन्हीं नौटंकीबाजों को बुलाते रहते हैं जो आगे कुछ बोलते ही नहीं है। ये तो हमारे
हमारे जो मीडिया वाले हैं उनको शिक्षा होनी चाहिए कि ये है क्या। ज्योतिर्मय जी, गुरु जी एक दिन माई नेम इज खान, अरे माई नेम इज खान में ज्योतिर्मय जी इतना प्रोपेगेंडा है कि वो जो डिस्कशन होगी, मैं ट्राई कर रहा हूँ आधे घंटे में निपटा दिया करूँ, कम से कम एक एक घंटा तो उसको एनालिसिस में लग जाएगा। उसमें इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा है। कौशल किशोर, नमस्कार नीरज जी, नमस्ते जी। सम ऑफ माय फ्रेंड्स सॉ दिल्ली रायट्स, आई हैव ट्राइड कन्विंसिंग देम मेनी टाइम्स दैट इट्स बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस फंडामेंटल्स, बट दे निगेट दिस अंडर स्टीरियोटाइप। व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड यू डू? अगर ये आपके दोस्त हैं तो हाथ में कुरान लेके जाइए, उनके कान के नीचे बजाइए और फिर कुरान दीजिए पढ़ने के लिए, बोलो ये है, फिर शायद उन्हें समझ में आ जाए। और वो जो निगेट करते हैं ना आप, मैं ये जो मैं सीरीज कर रहा हूँ बॉलीवुड की, वो इसलिए कर रहा हूँ, ये इतना गहरे में बैठता है जो प्रोपेगेंडा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मेन स्टोरी कुछ और चल रही है और ये जो सबलिमिनल मैसेजेस दिए जाते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा, उसकी प्रोसेसिंग तो उसने ठीक से की नहीं हुई। नरेन जी, नीरज जी आप किस न्यूज चैनल पर होंगे? सुदर्शन न्यूज पर जी, 8 बजे। द ट्रुथ सर, लोग खुद सपोर्ट कितना करते हैं सुदर्शन को, जो और न्यूज वाले ये रिस्क लेंगे। ठीक बात है आपकी, तो उन्हें धंधा करना है तो बोले ना हम धंधा कर रहे हैं, फिर ये क्यों बोलते हैं कि सच बताएंगे? अगर सच बताने की हिम्मत नहीं है तो बोलो कि हम यहाँ धंधा करने के लिए बैठे हैं, सच की बात नहीं कर सकते? इतना तो करें। लोप मुद्रा शर्मा, अरे वाह लोप मुद्रा जी, बड़ा प्यारा नाम है आपका, वैदिक ऋषि का। नमस्कार सर, एमएसएम से कैसे लड़ा जाए? आई स्टॉप वॉचिंग बट व्हाट एल्स कैन वी डू? जी एमएसएम से इंडिविजुअली तो नहीं लड़ा जा सकता। आप जो कर रही हैं कि आपने देखना बंद कर दिया, वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है। जब उन्हें पता लगेगा कि उनके दोगले रवैये के कारण लोग देखना बंद कर रहे हैं, तो शायद उनको सच बोलना पड़े। और दूसरा, मुझे लगता है कि जो एमएसएम है ये धीरे धीरे इररेलेवेंट सा होता जा रहा है। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को जानता हूँ जो टीवी चैनल खोलते ही नहीं है, वो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे छा जाइए, वहां पर अपनी बात रखिए जी। ओके स्पिरिचुअल वॉरियर, नीरज अत्री सर जी नमस्ते जी। हिंदूज को अवेयर करने के लिए एक सीरीज प्लीज सर। यार सीरीज तो है स्पिरिचुअल वॉरियर जी, ये मैं क्या कर रहा हूँ? किस प्रकार की सीरीज चाहिए आपको ये तो बताइए मुझे। रविंदर रावत, मुस्लिम में चित्त बुद्धि बंद अहंकार और मन लालच है, और हिंदू चित्त से गिरकर मन में आ गए हैं। चित्त और बुद्धि आजकल अपने लोगों को पता ही नहीं है इनमें अंतर क्या होता है, तो चलिए एनीवे तो ज्यादा गहरी डिस्कशन हो जाएगी। चैतन्य जी सर, इन आंध्र प्रदेश नियर एवरी फेमस टेम्पल देर इज अ मॉस्क एज इफ इट इज अ कॉम्पिटिशन, इज देर एनी लॉ टू स्टॉप दिस? नहीं जी, लॉ नहीं है इन्हें स्टॉप करने का। और लॉ से आप कैसे लॉ बनाएंगे भी क्या, जब सेक्युलर देश की बात कर रहे हैं और जब हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम तो प्यार सिखाता है, तो जब इस तरह का नैरेटिव चलेगा तो फिर लॉ हो या ना हो ये तो बना ही बनता ही रहेगा।
आशीष जी नमस्ते सर, मूवीज में हरियाणा को जंगल राज एंड रेपिस्ट स्टेट प्रमोट करते हैं, खाप को विलेन बता रहे, जो किसी को लव मैरिज नहीं करने देते, लेकिन ये झूठ है। हाँ जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो खाप पंचायतें हैं वो बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन अन्यथा वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पूरा इतिहास उनका ऐसा है। लेकिन ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको खाप सूट नहीं करती, खाप उनका एजेंडा सफल नहीं होने देती, इसलिए उनका बहुत बड़ी एफर्ट है कि खाप सिस्टम गिर जाए, वो ध्वस्त हो जाए। अगर वो हो जाता है तो मिशनरीज को अपना काम करने में और भी आसानी हो जाने वाली। कौशल किशोर, ट्राइड शोइंग देम द होली बुक बट दे हैव अ डम्ब आर्ग्यूमेंट दैट हिंदू ऑल्सो हैव बुक विच वी डोंट फॉलो। इट्स लाइक भाई भैंस के आके भीम बजाना, डोंट अंडरस्टैंड हाउ मेनी एग्जाम्पल्स आई वुड टेक। आपकी बात ठीक है, मैं कौशल जी आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे चारों ओर गधे हैं और जॉम्बीज भरे हुए हैं और उन्हें जॉम्बीज बनाया गया है, तो जितना स्मार्टली उन्होंने अपना नैरेटिव चलाया है आपको उनसे ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। वो करेंगे तभी इस भैंस के आगे बीन बजाने का लाभ होगा, करना तो पड़ेगा। ये तथ्य उनके सामने रखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, और सारों को नहीं आएगा, कुछ को आएगा। 100 से बात करेंगे शायद 10 सुनेंगे, 10 तो सुने, 10 से बात करेंगे एक तो सुनेगा, एक को जोड़ के 2 हो गए, अब आगे बढ़ेंगे। नर्सरी राइम्स फॉर किड्स, सर ये एक्स मुस्लिम के चैनल्स पर 99% हिंदू व्यूअर हैं, तो क्या उनके चैनल से मुस्लिम में कोई बदलाव आएगा? आएगा ना, उनको देखते हैं जो मुस्लिम्स हैं, वो देखते हैं एक्स मुस्लिम्स को। आपको गलत लगता है 99% हिंदू हैं, आई डाउट योर डेटा। या तो आपने कोई ऐसा इस प्रकार का सर्वे किया तो शेयर कीजिए, अन्यथा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उन्हें देखते भी हैं और उनका प्रभाव भी पड़ता है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना एक रोल है इस नैरेटिव के अंदर, उसे नकारा नहीं जा सकता। योगेश, आई गेव गीता टू वन ऑफ माई मुस्लिम फ्रेंड्स एंड नाउ ही इज मोर इंटरेस्टेड इन हिंदुइज्म देन इस्लाम। ग्रेट, ये बहुत अच्छा ढंग है जी। आप उन्हें बताइए कि अपना जो पैगंबर साहब है उनको देखो। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं ना, अभी जिसने प्रश्न पूछा था, शंकर शरण जी वाली सीरीज है, एक एक रेफरेंस के साथ है। मैंने इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज बनाई है, एक एक चीज रेफरेंस के साथ है, वो लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उनसे आर्गुमेंट पूछिए, और जो उनके आर्गुमेंट से मैं यहाँ लेके आई हम उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तब तक तो हम उनको वापस ला नहीं सकते। S2K, सर प्लीज टेक अ सेशन ऑन साइंटिफिक मिस्टेक्स इन कुरान एंड सो कॉल्ड मिरेकल्स इन कुरान, प्लीज इनवाइट प्रवीण मोहन यूट्यूबर ऑल्सो। प्रवीण मोहन जी का जो मेल आईडी मुझे दिया गया था उस पर मैंने मेल कर दिया उनको, 1 महीने से अधिक हो चुका है, मुझे कोई उत्तर नहीं आया उसका, और अगर किसी के पास कोई नंबर है, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल है, मुझे भेजिए, मैं कर लूंगा संपर्क उनसे। और साइंटिफिक मिस्टेक्स इन कुरान इतनी सारी हैं कि ढेर लग जाएगा, और मिरेकल्स इन कुरान तो उन्हें बताने पड़ेंगे, उनको तो हम डिबंक कर सकते हैं। मिरेकल्स क्या है कि वो जो पेड़ है वो पेपर वेट की तरह रखे हुए हैं, कीलों की तरह ठोके हुए हैं, पहाड़ है जो। तो लेकिन ठीक है, आपका सजेशन अच्छा है, मैं इस पे ट्राई करूंगा कि इस पे अलग से वीडियो रख सकूं। केशव बेदी जी, व्हाई डू वी हैव टू अज्यूम दैट पीपल मेक दीज मूवीज विद एन अल्टीरियर मोटिव्स? मे बी दे जेन्युइनली बिलीव इन इट दैट पीपल एक्सप्लॉइट रिलीजन फॉर देयर ओन पॉलिटिकल एंड्स। हाँ, ठीक बात है,
असल में हमारा समाज बहुत सारा गधों का है, तो हम ये सोच लेते हैं कि बाकी भी वैसे ही गधे होंगे। आप कल्पना करके देखिए कि जिसे एक मूवी बनानी है 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ लगा के, वो उस पर अच्छा काम करते हैं, पहले सोच विचार करते हैं। एक एक कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए प्लान किया जाता है, उसका नाम सोचा जाता है, एक एक फ्रेम प्लान किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी केशव बेदी ने या किसी नीरज अतनी ने सोचा चले यार कल एक फिल्म ही बना देता हूँ, तो जो मन में आया उसकी मूवी बना देते हैं। ये नैरेटिव सेटिंग की जाती है। अगर आज भी ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं तो मुझे लगता है कि नैरेटिव सेट करने में हमें तो और 1,000 साल लग सकते हैं, अगर इस तरह के लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो। मे बी दे जेन्युइनली बिलीव इन इट। अच्छा, नहीं, आपको लगता है कि वो जेन्युइनली बिलीव करते होंगे कि ऐसे पुलिस वाले हैं जो जीप से लटक के थप्पड़ मार रहे होते हैं लोगों को? आपको ऐसा लगता है कि कॉमन स्टूपिड मैन ऐसा होता है कि वो 6 किलो आरडीएक्स लेके इकट्ठा करके पुलिस थाने में रख के आ सकता है, सारी उनकी जो साइबर क्राइम सेल है उसको धत्ता बता सकता है? ऐसा लोग नॉर्मली होता है क्या? लोग बिलीव कर सकते हैं इसे? और पीपल एक्सप्लॉइट रिलीजन। अरे चारों ओर आप देखो, आपको कुरान की आयतें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? कश्मीर में जो हुआ दिखाई दिया कि नहीं दिया? अगर आज भी ऐसी बात करेंगे तो आप कर क्या रहे हैं? आज तो मुझे लगता है कि कोई अंटार्कटिका में इग्लू में बैठा हुआ कोई एस्किमो होगा ना, उसे भी पता होगा कि कुरान की आयतों में क्या है, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि होगी उसके अंदर। रोबर कूल जी नमस्ते, कई दिनों पश्चात दिखे हैं आप। नमस्ते नीरज जी, बहुत अच्छा विश्लेषण। जख्म पिक्चर पे भी कीजिए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं इस नाम की पिक्चर भी है कोई। अगर नहीं किया और समय हो, वेडनेसडे को तो मैं सोचा भी नहीं था कि इसमें ये कचरा था। अब तो खैर आप जैसे महानुभावों की वीडियो और साहित्य ही मेरा समय लेते हैं, पिक्चर नहीं देखता। बहुत बढ़िया करते हैं जी आप, पिक्चरों के कचरे से बचें और अगली पीढ़ी को अवश्य बचाएं उससे। और जख्म मैंने देखी नहीं है तो मैं ढूंढता हूँ, और अभी लिस्ट लंबी होती जा रही है, समय का अभाव रहता है, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा इसका भी और करेंगे विश्लेषण इस पर भी। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और लोगों को इस काम में आगे आना चाहिए, टीम बन सकती है इसके लिए। और इसमें हाँ एक चीज ये हो सकती है कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि जख्म नाम की मूवी है, तो कई जगह पे पता लग जाता है कि एजेंडा है। और कोई लगती है तो उनको भी आप शेयर कीजिए हमारे साथ। आशीष जी, सर 70s 80s में समाजवादी मूवीज बनती थी, हीरो पुअर विलेन रिच, क्या कांग्रेस ये ऐसे था जी कि 70s 80s में क्या हो रहा था, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट ये जो लोग थे, वो एक चीज चलाते हैं जिसे आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा बोलते थे। उसमें इस तरह की गंदगी बहुत भरते थे। तो कुछ समय बाद लोगों को समझ आ गया कि ये जो आर्ट या पैरेलल सिनेमा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है एंटी हिंदू है, तो लोग उससे दूर हटने लग गए। फिर इन्होंने जो मेन स्ट्रीम मूवीज थी, हाँ उसमें जो वो एंग्री यंग मैन होता था, कोई गरीब होता था, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपकी बात ठीक है, तो ये लेफ्टिस्ट थे ये उसमें घुसते गए। और वहां पर क्योंकि जिहादियों का भी बोलबाला था, तो इन्होंने मिलके वहां पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब इनके पास फंडिंग खूब है, तो मेन स्ट्रीम मूवीज पर ही इन्होंने अब कब्जा कर लिया है। और वो लेफ्टिस्ट एजेंडा, लेफ्टिस्ट और जिहादी मिलके काम करते हैं, तो काम वो एक ही कर रहे हैं। अमित पटेल जी, फर्स्ट आई थिंक गुरु एंड सत्संग शुड चेंज द वे दे टॉक टू पब्लिक, दे शुड बी मोर एग्रेसिव फॉर हिंदुइज्म सो पब्लिक गेट मोर पावर। आई डोंट नो, मे बी यू आर राइट, क्योंकि अभी तो बैठे रहते हैं वो ढीले ढाले से और दुख भरी कहानियां ज्यादा सुनाते हैं, रस ज्यादा बताते हैं, शौर्य नहीं होता उनके अंदर जो पढ़ा रहे वो सिखाते हैं। कुछ है इक्का दुक्का जो ऐसा भी काम कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्हें लगता है कि अगर हम एग्रेसिव हो जाएंगे तो हमारी वो जो छवि कल्टीवेट करके बनाई है शायद वो धूमिल हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन आपकी बात ठीक है, अगर वो थोड़ा एग्रेसिवली काम करें तो अच्छा हो सकता है।
अगर ये गुरु ये काम करते तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, मुझे आवश्यकता ही नहीं थी फिर तो यहाँ आने की। पंडित जी, नीरज जी, होम मोहम्मडन्स कॉल धिम्मीज जिम्मीज। अच्छा, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कुरान की आयत है जी, 9वीं सूरह में आयत नंबर 29, जिस तो ये गॉड है कुरान का, अल्लाह मियाँ नाम का, वो कहता है कि जो अहले किताब हैं यानी जो क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं उन्हें तुम रहने दे सकते हो अगर वो तुम्हें जिजिया नाम का टैक्स पे करें, जो एक ह्यूमिलिएटिंग टैक्स है, कि वो देंगे तो सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह सकते हैं। तो उनका जिम्मा या धिम्मा लिया, इसलिए वो जिम्मी कहलाएंगे या धिम्मी कहलाएंगे। अरेबिक ढंग से प्रोनाउंस करना है तो धिम्मी होंगे, अगर उर्दू वाले ढंग से प्रोनाउंस करना है तो जिम्मी हो जाएंगे। हम बोलते हैं ना, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेवारी है, तो मैंने जिम्मा ले लिया कि तूने मुझे पैसे दिए, मैं तुझे मारूंगा, ये जिम्मा है उसका। और हमारे देश में जब आ गए तो उनसे हिंदू इतने सारे थे, मर तो रहे नहीं थे, तो उन्होंने फिर हिंदुओं को भी जिजिया लगा दिया था कि इनको इकोनॉमिक बर्डन से मारो। जो आपको आज इतने सारे मुसलमान हमारे देश में दिखते हैं, उनमें से बहुत सारे धिम्मी बन गए थे, जिजिया देते थे, तो इससे बचने के लिए वो फिर मुसलमान बन गए। इस पे हम एक, मुझे लगता है शंकर शरण जी के साथ एक पूरा एक डिस्कशन रखने वाला हूं मैं अगले एक दो हफ्ते के अंदर ही। शर्मिष्ठा जी, जख्म फुल ऑन एजेंडा मूवी है। महेश भट्ट जी आदि ने माना, यार फिर तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इस मूवी में तो इतना प्रोपेगेंडा कि आप हैरान हो जाएंगे सर। बिल्कुल ठीक बात है जी, अगर महेश भट्ट है तो कचरा घोलने में मास्टर है, और देखूंगा, और मुझे लगता है लंबी डिस्कशन होगी फिर तो। S2K, डिड धर्मेंद्र कन्वर्ट टू इस्लाम टू मैरी सेकेंड टाइम? जी हाँ, बिल्कुल कन्वर्ट हुए थे। Why in old times actors used to hide their Muslim names and why it was not needed over time? अरे कमाल एस टू के जी, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जिस समय 47 के बाद इस देश के जख्म एकदम ताजा थे और पूरा देश जानता था कि किस तरह से इस्लामियों ने गद्दारी की है देश के साथ, टुकड़े किए हैं हमारे देश के, बांट दिया है, तो एक बहुत नफरत थी, बहुत घृणा थी जो वास्तविक थी, कि अगर आप देश को काटते हैं, बांटते हैं और फिर यहाँ रुक जाते हैं तो ये किस तरह का खेल है हमारे साथ, तो लोगों में गुस्सा था। और लोग इस्लाम से, इस्लामिस्टों से, इस्लाम से तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो घृणा तो बैठी हुई थी, और मैं उसको कहता हूँ कि जेन्युइन घृणा थी वो, कि देश को बांटा था और लाखों लोगों की हत्या की थी उन्होंने केवल मजहब के नाम पे। तो इसलिए डर के मारे जो यूसुफ खान था वो दिलीप कुमार बन के आता था। जो आपका सेकेंड पार्ट है, वाई इट वॉज नॉट नीडेड ओवर टाइम, उन्होंने देखिए ये जिहाद क्या करता है, इट बाइज टाइम, कि जब ये कमजोर होता है तो आराम से धीरे धीरे रडार के नीचे काम करता है, वो तो करते रहे, लगे रहे आपको सेक्युलर बनाने में, बना दिया। अब उन्हें पता लग गया कि हमने इनको बिल्कुल बैकफुट पे धकेल चुके हैं, कि इतने डिफेंसिव हो गए हैं कि अपने आप ही डिफेंड करने आ जाते हैं इस्लाम को, तो अब वो धड़ल्ले से सामने आ गए हैं। ये आज से 15 साल पहले कभी मूवी ईद पर रिलीज नहीं होती थी, सदा ही स्पेशल जो रिलीज होती थी वो दिवाली पे होती थी, लेकिन अब वो इतने निर्लज हो चुके हैं और इतने ओवर, इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं हमारी मूर्खता से, वो ईद पर मूवी रिलीज करते हैं कि अपनी ईदी लेने जरूर आएगा। तो उन्हें पता है कि उनका कोई प्रतिकार नहीं होने वाला। मुझे याद है मैं छोटा था, बॉम्बे नाम की मूवी रिलीज हुई थी, तो इन्होंने बहुत, उसमें क्या था, एक मुस्लिम लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ शादी या अफेयर दिखाया था, मैंने मूवी नहीं देखी वो, तो इन्होंने सिनेमाओं में तोड़फोड़ कर दी थी। आज से कितनी 30 साल पुरानी बात होगी शायद, तो उन्हें एजेंडा पता था तब से, वो एग्रेसिव है, हम मूर्ख बने रहे। वो सर्वधर्म संभाव पड़ा वड़ा पाव हमने अच्छे से खा लिया और उन्होंने हमें खिलाया है, इसलिए इट वॉज, इट इज नॉट नीडेड ओवर टाइम। जी, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।
दिव्य मोहन जी, एग्रेशन मेक्स अस हिंदू फैसिस्ट अपेरेंटली। आप करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, अगर आप मीडिया के चक्कर में पड़ेंगे तो। उन्होंने आपको फासिस्ट कहना ही कहना है। संघ वाले क्या करते हैं, एक डंडा ही तो चलाते हैं, और तो कभी कुछ किया नहीं उन्होंने। उनपे फासिस्ट का लेबल लगा दिया कि नहीं लगाया? उन्होंने कौन सा फासिज्म किया है बताइए जरा। लेकिन उन्होंने लेबल लगाना है। और अगर आप संघी नहीं है लेकिन आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले आपको संघी बोलना है, क्योंकि आपके संघी पर, आप पर संघी का लेबल चिपका देंगे। तो संघियों को फासिस्ट पहले ही बोलते हैं, तो अल्टीमेटली आपको फासिस्ट बना दिया। दिस इज हाउ लेबलिंग वर्क्स। और इसमें उन्होंने एक स्पेशलाइजेशन कर रखा है। तो जब तक आप इससे घबराते रहेंगे, तब तक फंसते रहेंगे, उन्हीं के मकड़ जाल में फंसे रहेंगे। तो ये तो आपको धड़ल्ले से बात करनी पड़ेगी। और एग्रेशन जो होती है, वो जरूरी है कि आपके शब्दों में या आपने कोई दांत भींच के बड़े दाढ़ी मूछ रख के एग्रेशन आता है। एग्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई ढंग होते हैं। LKS, हिंदू फिल्मों ने हिंदुओं को मानसिक नपुंसक बनाया, व्हाट टू डू। अगर आपको समझ में आ गया तो लोगों को भी बताइए। अनलर्निंग प्रोसेस होगा ना, अनलर्निंग थोड़ी कठिन होती है, तो वो करनी पड़ेगी आप हमें भी, और जिन्हें आपको लगता है कि वो नपुंसक बन चुके हैं उनको भी अनलर्न करवाना पड़ेगा। दैट इज अ सॉल्यूशन। तथ्यों के साथ रखिए बात को, लोग सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और जो नहीं सुनते उन मुर्दों को छोड़ दीजिए, वो किसी काम के नहीं है। एनर्जी उन पे लगाइए जिनमें अभी जान प्राण बचे। काइजन मोक्ष जी, ये भी बड़े दिनों बाद आए। काइजन मोक्ष जी नमस्ते। सरफरोश, अबेंडेंस डे एंड सम अदर्स वर ऑलवेज वॉच्ड बाय मी एज प्योर एंटरटेनमेंट, बट आई यूज्ड टू हैव पीपल इन माय सर्कल्स हु यूज्ड टू साइट देम एज सोशल रेफरेंसेस। जय श्री राम। देखिए जी काइजन मोक्षी, आपकी बात ठीक है। दैट इज हाउ स्मार्ट दे आर। हमें उन्हें एडमायर भी करना चाहिए और उनसे सीखना भी चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं। अनिल प्रतिहारी जी, बॉलीवुड बीन वेजिंग अ साइकोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट इंडियंस फॉर डिकेड्स, हाउ कम वी हिंदूज कुड नॉट डिटेक्ट दिस कॉन्स्पिरेसी बिफोर 2014? ऐसा नहीं है जी। असल में हुआ क्या है कि जो सोशल मीडिया का प्रोलिफरेशन है वो इसी टाइम के आसपास हुआ, 5-7 साल इधर उधर मान सकते हैं आप। हो सकता है 2010 से होने लगा हो, लेकिन फेसबुक, ट्विटर इन्होंने, यूट्यूब इन्होंने जो चकाचौंध मचाई वो अभी रिसेंटली मचाई। अब मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैं पहले ब्लॉग लिखता था 2010-11 में, 12 में, जहां पर मैं ये सारी बातें वहां लिख के किया करता था। लेकिन अब मुझे लगा कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, तो मैंने इसे यूज करना आरम्भ कर दिया। तो 2014 से पहले भी दिखता होगा, लेकिन क्योंकि एवेन्यू नहीं थे, आउटलेट नहीं, तो कुछ हो नहीं सकता था उसका। अब वो चीज़ें सामने आ गई हैं। मुझे याद है जब मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था, पहला मैंने प्लान किया था 2005 में, जब मैंने मोदी को गालियां देनी थी कि ये जेनोसाइड केस में पोग्रॉम किया है, जब मैं कम्युनिस्ट सेक्युलर टाइप का हुआ करता। तो एक आधा लिखा, फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया 2010 के बाद, जब मैंने अब फिर मैं चेंज हो गया बिल्कुल। जब मैंने इस्लाम पे लिखना शुरू किया तो यार दोस्त बोलते थे कि मत कर, तुझे उठा के ले जाएंगे, मार देंगे, लेकिन मैं लिखता था। तो मुझ जैसे लोग और भी थे, तब भी लिखा। एक मीडिया क्रुक्स नाम का ब्लॉग होता था, बड़ा अच्छा लिखता था, तो लोग लिखते थे पहले। लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण थोड़ा सा ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ गई है। CMR इंडियन, सर क्या कारण है कि हाल के दिनों में कई एक्स मुस्लिम सामने आ रहे हैं, इनका अभियान जीतेगा या उनका किताब? अब क्या कारण है कि सामने आ रहे हैं? अभी मैंने जो उत्तर दिया कि सोशल मीडिया शक्ति देता है, सबको सशक्त बनाता है, तो उस पर आ रहे हैं। हालांकि अब छीननी भी शुरू कर दिया उन्होंने।
और किसका अभियान जीतेगा वो डिपेंड करता है जी, समय बताएगा। अगर पुरुषार्थ किया तो धर्म जीतेगा, अगर धर्मावलंब जो धर्मावलंबी हैं उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, वो ये सोचते रहे कि कोई एक आधा चैनल ये काम करेगा, हम बैठ के ताली बजाएंगे, तो किताब जीतेगी। LKS इंडस्ट्री से मुहूर्त पूजा का रिचुअल बंद कराया, बहुत जगह से कराया, मीडिया से कराया, बहुत प्रेशर लगता है इनका, और मूवीज का जो प्रेशर होता है बहुत होता है। आशीष दुहन सर, फैंटम मूवी में सॉन्ग है ख्वाजा ही के पास तेरी चुगली करूंगा, ये लाइन क्या इस्लाम कुरान से इंस्पायर है चुगली करने की? नहीं, चुगली करने की ऐसी कोई डायरेक्ट मिलती हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये जो ख्वाजा है ये वो टूल्स को यूज करते हैं, म्यूजिक उनके लिए एक टूल की तरह काम करता है, तो उसे यूज कर रहे हैं। अदरवाइज तो मूवीज का, गानों का इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन उनके लिए एक टूल है तो उसे स्मार्टली यूज किया जाता है। उन्होंने कोई टूल नहीं छोड़ा, सब पे कब्जा करने का प्रयास किया। आज मैं कोई गाना सुन रहा था तो मेरा बेटा बैठा था साथ में, तो पूछता रहता है कि इसका, ओ प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जानी, दीवानी मैं दीवानी। उसमें वो एक सेंटेंस आ रहा था, हर घड़ी तेरा नहीं, सामने तेरे मैं इकरार करता हूँ, हर घड़ी तेरा मैं दीदार करता हूँ। तो पूछ रहा था कि इकरार क्या होता है, दीदार क्या होता है, तो मैंने उसे बताया। तो हिंदी गाने में ये उर्दू शब्द क्यों है, तब मैं उसे बता रहा था कि किस तरह से मूवीज पर, गानों पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। अब आप देखिए, आपको कौन सी मूवी ध्यान है जिसमें भजन आया होगा, भेंट आई होगी माता की, सब जगह अल्लाह मौला ये चीजें आपको दिखाई देती हैं, यही सुनाई देती हैं। मुझे याद है वो एक अक्षय कुमार वाली मूवी थी जिसमें उसने वो एक भेंट गाई थी, माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया, उसके बाद कोई है तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन भर दे जो झोली मेरी या मोहम्मद अली मौला, ये तो सैकड़ों आ गए हैं तब से। धर्मेंद्र बेहरा जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, हमें सेक्युलर जॉम्बीज को जगाने के लिए पहले कौन सा विषय के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अच्छी स्टार्ट से ही आगे का काम आसान रहेगा। देखिए, इसकी कोई एक टेम्पलेट नहीं हो सकती, लेकिन अभी मेरे साथ किसी ने शेयर किया, उनका कहना है कि उन्होंने मेरे जो NCERT वाले वीडियोस हैं और जो मेरी बुक है ब्रेन वॉश रिपब्लिक, उसे शेयर किया, क्यों बिल्कुल न्यूट्रल है, एजुकेशन की बात करती है, तो वहां से लोगों को समझ में आता है कि गड़बड़ है। फिर उसके बाद उनका कहना था कि फिर हमने आपकी इस्लाम वाली सीरीज शेयर की, तो अब वो लोग उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, नहीं तो उन्हें लगता है कि हम ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप भी इस तरह का कुछ ट्रिक्स अपने आप सोच सकते हैं, हर किसी के लिए ये वो वन साइज फिट्स ऑल हो नहीं सकता ना, तो आप देखिए आपको ये सूट करता है तो करिए, नहीं तो अपने हिसाब से कोई और स्ट्रेटेजी बनाइए। ये संगम टॉक्स के वीडियोस हैं वो दिखा सकते हैं आप, संजय दीक्षित जी के हैं, तुफेल जी के हैं, ये फैक्ट्स पे बात जहां होती है वो दिखाइए उन्हें। LKS भजन फिल्मों से गायब हुआ गुलशन जी, हाँ गुलशन ग्रो जो गुलशन कुमार जी थे उनकी हत्या के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया और कोई उठा ही नहीं था। कौशल किशोर जी, कौशल जी ठीक कह रहे हैं आप। राहुल पाटिल, नीरज अत्री सर, पीके मूवी पर भी? हाँ जी, मैंने देखी नहीं है पीके मूवी, तो अब मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि कचरा देखना बंद कर दूंगा इसलिए मैं देखता नहीं हूं, जैसे वो एक थी OMG ओ माई गॉड, तो आई एम श्योर कि इनके अंदर वो प्रोपेगेंडा होगा इसलिए मैंने देखा नहीं था, पर अब क्योंकि मुझे शेयर करना है, लोगों को बताना है, तो मे भी मुझे देखना पड़ेगा, ट्राई करता हूं।
अंकित गुप्ता सर लोगों बोलिए कि हाँ ये लोगों की इच्छा है जी। मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अकाउंट के डिटेल्स भी दिए हैं और जो यहाँ देखिए स्क्रीन पे जो स्क्रॉल चल रहा है वहाँ पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन में आ जाता है मेरे पास। जो यूट्यूब के थ्रू आता है उसमें कुछ परसेंटेज यूट्यूब ले जाता है। N1M, I am curious, sir, a Wednesday was produced by Neeraj Pandey. Why would a Hindu produce something which is anti-Hindu? कमाल करते हैं N1M जी, आप क्या कर रहे हैं? किस संसार में आप? यहाँ राम पुनियानी जैसे लोग, संदीप पांडे जैसे लोग, रवीश पांडे जैसे लोग, बरखा दत्त जैसे लोग, बरखा दत्त मोहि दत्त मोहियाल ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो आप नाम पे जाना बंद कर दीजिए। हमारे यहाँ पर मर्सिनरीज भरे हुए हैं, गद्दार भरे हुए हैं, जो पैसा देने पर किसी का भी काम कर देंगे, और या वो इतने ब्रेन वॉश हैं कि वो किसी का भी काम कर सकते हैं। तो इस नाम के जाल से बाहर निकल आइए। आप ये मत सोचिए कि उसका नाम सनातनी वाला है तो सनातन के लिए काम करेगा। केशव वेदी, आई डोंट से दैट टेररिज्म डजंट हैव रिलीजियस मोटिवेशन, आई सेड दैट पीपल जेन्युइनली बिलीव दैट इट्स अ कवर फॉर पॉलिटिकल एंड्स, फॉर एग्जांपल। अरे केशव जी, आप पता क्या, अब आप उसे अपने अहंकार को पुष्ट मत कीजिए, अपनी ईगो पे मत लीजिए। मेरा ये निवेदन रहेगा, आपने नहीं कहा कि इसका, अब आप बात करें डजंट हैव रिलीजियस मोटिवेशन, यहाँ रिलीजन बेस्ड ही टेरर पर है। आप दोनों में अंतर समझिए। You are saying, I didn't say terrorism doesn't have religious motivation. I said that people genuinely believe that it is a cover for political ends. ठीक बात है, बहुत सारे लोग इसको ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब आप करोड़ों रुपए दांव पे लगा रहे होते हैं तब आप अपनी ओपिनियन से काम नहीं करते, तब आप बड़े अच्छे से ये जान के काम करते हैं कि मुझे क्या एंड इफेक्ट प्रोड्यूस करना है जनता के ऊपर, तब आप वैसे काम करते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और ये बेनिफिट ऑफ डाउट आप कितनों को देना चाहेंगे? बोले दिस इज अ डिस्कशन विच इज नॉट गोइंग एनीवेयर। और जो आपका कहना है कि जिहादीज टारगेट चाइना फॉर मुस्लिम प्रोसिक्यूशन, वो बिल्कुल एक अलग इशू है कि यहाँ पर अब आप इसको पॉलिटिक्स से ज्यादा रिलीजन से कम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप गलत, ये फैलेशियस आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। पंडित जी, फोर हिंदू लिरिक्स इन यूट्यूब, रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र टू कृष्ण इन ओल्ड महाभारत, चाणक्य एपिसोड 45 में प्रारंभ में गीत, दोनों सुनने चाहिए। हाँ जी, चाणक्य वाला तो मुझे ध्यान है, लेकिन दूसरे वाला, अच्छा पुरानी महाभारत में, ठीक है जी, मैंने गानों पे कम ध्यान देता हूँ तो आई ट्राई, देखूंगा ऐसे मैं, क्योंकि महाभारत तो हमारे घर चलती रहती है, आई ट्राई टू सी। ओके, तो आई गेस कोई क्वेश्चन अगर मैंने मिस कर दिया तो मुझे भेज दीजिए डेस्क से निवेदन। नैरेटिव्स एंड काउंटर नैरेटिव्स, परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक मलयालम भाषा बांग्ला भाषा में वीडियो नहीं बनेगा। भाई साहब, मुझे नहीं आती वो भाषाएं, आपको आती है तो बनाइए ना। मैं तो चाहता हूँ सब लोग करें ये काम, हर भाषा में काम किया जाए, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता। मैं अधिक से अधिक क्या कर सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, ये तीन मुझे आती हैं, उनमें कर पाऊंगा। तो पंजाबी से पंजाब कैटर हो जाएगा, लेकिन बाकी जो दक्षिण की भाषाएं मुझे नहीं आती, उसके लिए मुझे इंग्लिश में स्विच ओवर करना पड़ेगा। ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं पहले हिंदी में बातें रखूंगा और इंग्लिश में कर सकता हूँ मैं करूँगा। कौशल किशोर सर, आई एंड सम ऑफ माय कॉलेज मेट्स वर सेक्युलर एंड लिबरल 5 years अगो, बट आई एम ग्रेटफुल टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु सिस्टमैटिकली कन्वर्टेड मी बैक टू ह्यूमैनिटी एंड धर्मा। वेरी गुड, ये जो आपके मित्र हैं उनसे सीखे उन्होंने कैसे किया, बाकियों को भी सिखाइए ताकि वो टेम्पलेट कोई और लोग यूज कर सके। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, वॉइस ऑफ इंडिया की किताबें पढ़ें।
उनकी एक वेबसाइट है voiceofdharma.org, वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपको उनकी बुक्स का लिंक मिल जाएगा, वो पढ़ें, वो आपकी टूल किट में होना चाहिए और वो आपके बहुत सारे साथियों को जो सेक्युलर हैं उनको बुद्धिमान बनने में, उनको धार्मिक बनने में सहायता करेगा। इंडिया डाइजेस्ट, वी कैन ट्रांसलेट योर वीडियोस इन अदर लैंग्वेजेस, वंडरफुल। इंडिया डाइजेस्ट आप कीजिए, उनको कन्वर्ट कीजिए, बाकी ट्रांसलेट कीजिए बाकी लैंग्वेजेस में और डालिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा, आई गिव यू फुल परमिशन टू डू इट। S2K, sir, what's your view on Irfan Khan? He openly opposed killing goats on Eid. Wonderful. मुझे लगता है कि इस तरह के honest लोग होने चाहिए, होते हैं लेकिन बेचारों को बोलने नहीं दिया जाता, तो इरफान खान बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने बात बोली थी। Please invite Nilesh Shobji for some Hinduism. Love your sessions. जी धन्यवाद, और नीलेश जी को हमने पहले invite किया हुआ है, उनके साथ मुझे लगता है मैंने दो sessions किए भी हैं, दोबारा करेंगे, उनसे बात करना अच्छा लगता है, तो अवश्य दोबारा बुलाएंगे उन्हें करने के लिए। काइजन मोक्षी, इट्स नॉट दैट पीपल आर स्पीकिंग आउट नाउ, इट्स अ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ यूजर क्रिएटेड मीडिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, दिस टॉक बैक वॉजंट प्रेजेंट एज स्ट्रॉन्गली बिफोर, नीदर वॉज इट शेयर्ड सो वेमेंटली, दैट्स वाई बॉलीवुड इज स्केयर्ड स्टिफ नाउ। हाँ ठीक है, काइजन मोक्षी का एनालिसिस मैं उससे एग्री करता हूँ कि अब जो यूजर है वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो फाइट बैक दे रहा है, टॉक बैक का है, मैं तो उसे फाइट बैक कहता हूँ कि अब वी आर गिविंग देम बैक एज स्ट्रांगली एज पॉसिबल, और आप जैसे लोग आगे उसे शेयर भी कर रहे हैं, तो इसलिए अब उन्हें डर लगने लग गया है। अब शाहरुख खान टोटली जिहादी बनता जा रहा था लेकिन अब उसे डर लगने लग गया, अब इन्होंने सोचना शुरू किया है, और अगर उन्हें डर लग रहा है तो बड़ा अच्छा है, उनको डरना चाहिए क्योंकि इन्होंने गुंडागर्दी बहुत फैलाई है। हाँ जी, के एस लाल को पढ़िए, सीताराम गोयल को पढ़िए, राम स्वरूप जी को पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मनीष खंडेलवाल, इन बॉलीवुड दे यूज अ वर्ड शहीद व्हेन कैरेक्टर्स डाई इन मूवीज, वेल इन मिलिट्री द वर्ड यूज्ड इज विजय गति, दे यूज शहीद टू स्प्रेड दैट। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, जो आप न्यूज एंकर देख लीजिए, जितना आप न्यूज चैनल देखेंगे उसमें आप देखिए धीरे धीरे उर्दू अरबी के शब्द घुसते जा रहे हैं, मेरे देखते देखते एक नया शब्द आ गया कवायद। अब ये कवायद शब्द आज से 5-10 साल पहले मैंने नहीं सुना था, तो ये धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है उसके अंदर, कयास लगाए जा रहे हैं, कयास शब्द, ये दो शब्द ऐसे हैं जो मैंने अभी रिसेंटली सुनने शुरू किए हैं, ये कोई ना कोई वहां पर बैठे होते हैं जो इन शब्दों को करेंसी में लेके आते हैं, और जो सो कॉल्ड ये जो मास्कॉम के स्कूल्स हैं वहां पर उन्होंने कब्जा करके रखा है, तो बहुत जगह है जहां पर उनका कब्जा है, धीरे धीरे हटेगा लेकिन स्पीड कम है, बढ़ानी पड़ेगी हमें। हाँ जी मैं भी कवायद ही बोल रहा हूं, कवायद नहीं बोला, कवायद द से खत्म होता है। ओके जी, मुझे लगता है और प्रश्न कोई बचे हैं तो भेज दीजिए मुझे। ज्योतिर्मय दास, शाहरुख खान की जो मोहब्बतें मूवी है उसमें हमारा गुरुकुल को बदनाम किया है, सूर्य नमस्कार को भी बदल दिया, और मैं पहले शाहरुख खान का फैन था, अच्छा लगता है कि मुझे धोखा। हाँ मैं भी शाहरुख खान का फैन था जी, मैं नसीरुद्दीन शाह का फैन होता था क्योंकि टैलेंट तो है उसमें, एक्टिंग तो अच्छी करता है, और संजय दत्त मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे पता चला है जिहादी है, तो मेरे बहुत सारे इस तरह के जो
आइडल से, आइकॉन से वो गिरे हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे बुद्धि आ गई, इसी जन्म में अकल आ गई। तो ऐसे बहुत सारे आइकॉन्स हैं जिनका, जो मेरे गिरे हैं, उनमें से एक ये भी है। टेस्ट आदित्य नीरज अत्री गुरु जी, आज जो सुदर्शन न्यूज में आप जाएंगे वो पूरा सेशन आप यूट्यूब में डाल दीजिएगा, आपका सब्सक्राइबर बढ़ सकता है इससे। ओके जी, मुझे ठीक है, मैं उनसे ले लूंगा, तो अच्छा सजेशन है जी, डाल लेंगे। एल के एस, हुतात्मा बलिदानी सदगति वीरगति या टर्म्स नॉट शहीद। हाँ जी, ठीक बात है। पुनीत कौशिक, सराव का है नहीं हेल्प स्प्रेड वैदिक धर्म। ये प्रश्न मुझे बार बार पूछा जाता है। देखिए, आपको अपना स्किल सेट पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया में अच्छे हैं तो वहां पर वैदिक धर्म को फैलाइए। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने में अच्छे हैं तो संस्था बनाइए, वो काम कीजिए। तो आप अपना स्किल सेट पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई ऐप डेवलपर है, ऐप बना के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप मल्टी लिंग्विस्ट हैं, पॉलीग्लॉट हैं जैसे आजकल बोल देते हैं, वो हैं तो मेरी वीडियोस ट्रांसलेट कर दीजिए, उनकी डबिंग कर दीजिए। वो आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो करने को काम सैकड़ों मिल जाएंगे आपको। जी, तो आई थिंक आज का सेशन हमने कर लिया, सबके प्रश्न आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है जी, आज हम इतिश्री की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आपसे निवेदन, सामने स्क्रीन पे लिखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं, बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे पास कि उनको नोटिफिकेशंस नहीं जा रही हैं, शायद ये जो टेक कंपनीज है कुछ अपना खेल खेल रही हूँ, आई डोंट नो। तो मेरी भी सहायता करें, अपनी भी सहायता करें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। इसी के साथ भारत माता की जय।